नमस्कार दोस्तों। तो मेरी क्लास 9 की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं जा रहा था क्लास 10 में। हाँ, मैं थोड़ा नर्वस नाखुश था क्योंकि क्लास 9 में मेरे कुछ कम नंबर्स आए थे और मैंने अपने आप से कहा इट्स ओके, चलो अब आगे देखते। उसी तरह मेरे पिताजी भी थोड़ा कुछ नाखुश थे और वो मुझे बोले, अरे वैशाख नंदन, अभी तो क्लास 10 यानी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाला है, थोड़ा सीरियस हो जा। और उसी समय माय ग्रैंडफादर कम्स विद न्यूज़पेपर और वो बोले, देख शर्मा जी की बेटी का फोटो छपा है 98%। तो 98% लाने के लिए क्या शर्मा जी की बेटी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ती थी? किस तरह होती है टॉपर की स्टडी स्ट्रेटजी? क्या टॉपर बनने के लिए एक अलग रोड मैप होता है और इसके लिए कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाना जरूरी है? हाउ टू स्कोर अबाउट 95? तो इन सभी सवालों ने मेरे दिमाग को घेर लिया था। मुझे चक्कर आने लग गए। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द परफेक्ट रोड मैप फॉर टॉपर स्टूडेंट टू स्कोर अबाउट 95 मार्क्स। सबसे पहले क्लास 10 के हर स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए कि जब कोई भी बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होता है उसमें कम से कम इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं कि एक एवरेज बच्चा पास हो जाए, लेकिन उसमें ऐसे भी क्वेश्चन सेट किए गए होते हैं जिनको वही बच्चा पूरी तरह से समझ कर सॉल्व कर सके जिसने उस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ा और समझा हो, और वही बच्चा उस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेकर टॉपर के लिस्ट में आता है। तो चले मुड़ते उस रोड मैप की तरफ जो आपको हर एक सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेने में मदद करेगा। तो इस जर्नी में आपसे जो छोटी छोटी गलतियां होती है उस पर हम नजर डालते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, खुद को दूसरे बच्चों से कम समझना। देखो यार, कई बच्चों के मन में सवाल रहता है कि मेरे क्लास 9 में अच्छे नंबर्स नहीं आए और अभी तक मेरा 80-90 के ऊपर स्कोर नहीं हुआ है, तो क्या मैं क्लास 10 में अच्छा स्कोर ला पाऊंगा? क्यों नहीं ला पाओगे भाई? भाई 100% ला पाओगे, बस अपनी सोच को बदलो। तो भाई साहब, आपके दिमाग में से क्लास 9 के कम नंबर्स का नेगेटिव फंडा निकाल दो और अभी अपने दिमाग को पॉजिटिव कर, अभी मेरे से बेहतर कोई नहीं ये मानकर ये साल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल होगा, ये अपने खुद से कमिटमेंट करो। क्योंकि बाज जब आकाश में उड़ता है तो अपने अंदर से खुद को सबसे बढ़कर मानता है, इसलिए वो आकाश में सभी पक्षियों के ऊपर उड़ान लेता है। तो सबसे पहली बात, आपको पॉजिटिव रहना है। आपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, तो ये कुछ नहीं, बस लोगों ने इसे बड़ा चढ़ाकर खौफ हवा बनाया है। ये आपकी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर लाने वाले हो, आपको बस इसमें कुछ नियमों का पालन करना है। तो बोर्ड एग्जाम इस शब्द को आपको एक चुनौती की तरह नहीं देखना है बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है जिसमें मैं खुद को परिपूर्णता से साबित करूंगा। क्लास 10 में सबसे बड़ा चेंज यही होता है कि जो आपके स्कूल के टीचर पढ़ाते थे वही टीचर्स एग्जाम पेपर सेट करते थे और आप उसी स्कूल में पेपर लिखते थे, लेकिन क्लास 10 में एग्जाम सेट करने का पूरा कंट्रोल स्कूल से हटकर बोर्ड के पास चला जाता है और अभी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है और अभी किसी को भी पता नहीं होता कि पेपर किस तरह से सेट होगा। हाँ, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके किस तरह से पेपर सेट हो सकता है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये आपको कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। अगर आप किसी को पूछते हो कि भाई क्लास 10 में आ गया हो, टाइम टेबल कैसे बनाना है, अगर आपको कोई बताता है कि 7-8 साइंस, 8-9 मैथ्स, इसके बाद ये पढ़ो, उसके बाद वो पढ़ो, तो इस तरह आप बोर हो जाओगे और कंसिस्टेंटली कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो भाई टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? आपको डेली टारगेट्स बनाना है और उसे पूरा करना है। जैसे आज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और इसे कंप्लीट करने बिना ना मैं खेलने, ना मैं घूमने जाऊंगा, ना मैं सोऊंगा। अपने आप से कमिटमेंट करो। हाउ टू सेट टारगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। देखो, कई बच्चे पोर्शन को बिना देखे डायरेक्टली चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं करना है भाई। आप कोई भी सब्जेक्ट पहले उठाओ और सबसे पहले देखो इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। तो हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री के 4, बायो के 5 और फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं। इसमें आपको सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट विद लाइव प्रोसेसेस, और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को इसी ऑर्डर में लगाकर आपके डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करने हैं कि भाई आज मुझे इसे पढ़ना है और इस वीक में मुझे इस चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और मंथली बेसिस पे मुझे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद भाई पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी प्रो, बस कभी भी किताब उठाई और ऐसे रीडिंग करने को पढ़ाई नहीं कहते, और इस तरह आप 95 के ऊपर नहीं पहुंच सकते। देखो, इसके लिए मैं आपको एक कोड या सिद्धांत या कुछ भी समझ लो नियम, ये नियम आपने पहले सुना होगा या नहीं, लेकिन स्टडी करने का यही एकमेव सिद्धांत है, वो क्या है भाई, मिनिमम रिसोर्सेस प्लस मैक्सिमम रिविजन प्लस कंसिस्टेंसी। तो भाई स्टडी करते समय इस नियम को भाई चिपका लो। तो यहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेस का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे मिनिमम रिसोर्सेस क्यों, अगर हम अलग अलग बुक से और ज्यादा टीचर से पढ़ेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। तो भाई तुम और कुछ नहीं बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो, तुम यूट्यूब पर 4 टीचर्स के वीडियो देखोगे, कुल का लेक्चर कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, ये क्या कर रहे हो भाई,
एग्जाम के टाइम पर ये ऑनलाइन लेक्चर्स कोचिंग यही के यही रह जाएंगे और तभी आप सोचोगे कि कौन से नोट से पढ़ूं, दिमाग घूम जाएगा और तभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ज्यादा नहीं कम रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, लेकिन बेस्ट रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो भाई कौन से बुक से पढ़े? एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी के बाहर का एक प्रश्न भी नहीं आएगा, चाहे आपका साइंस का हो, मैथ्स का हो या सोशल साइंस का हो। इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भाई आपको 95% के नीचे आपको कोई नहीं उतार सकता। लेकिन इस बुक को हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं इसे किस तरह से पढ़ा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि ये बोलेगा मुझे ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो भाई कैसे पढ़े? देखो ऐसे पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस का लाइव प्रोसेसेस चैप्टर उठाया तो आप इसका एक वन शॉट वीडियो देखो जिसका आपको अच्छे से समझ में आता हो। इससे आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और अभी आप एनसीईआरटी को खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो तो उसमें आप जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसको पढ़ते समय इनमें आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगता है उनको अंडरलाइन करना है और इस पॉइंट को पढ़ने के बाद इस पर क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट के आसपास लिखो। और उस पॉइंट के बारे में आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप गूगल पे जाओ और इस पॉइंट के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं टाइप करो और इनके आंसर को समझो। बस इस तरह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन। तो भाई रिवीजन कैसे होता है? देखो भाई अभी आप पढ़ रहे हो उसको आपको लास्ट एग्जाम तक याद रखना है। तो जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था उसके साथ साथ नोट्स भी बना लूंगा। तो भाई ये नोट्स किस तरह से बनाने हैं सब बताऊंगा भाई। तो रिवीजन करते समय इसी नोट्स को दोबारा पढ़ूंगा। आप बोलोगे इसी को रिवीजन कहते हैं? तो ये रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता। रिवीजन का मतलब सिर्फ वही चीजें दोबारा पढ़ना नहीं होता। अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस तैयार किए, अभी बुक को रखो साइड में और अभी दिमाग में सोचो क्या आंसर था, क्या आंसर था। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये सबसे बेस्ट और साइंटिफिक तरीका होता है रिवीजन का। आप स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग से आ रहे हो, घर पर आके स्टडी करते समय 2 मिनट शांत स्तब्ध रहो और सोचने लगो कि आज टीचर इस चैप्टर में से ये पॉइंट पढ़ा रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और उसमें मुझे ये चीज याद है। और जो आप समझ नहीं गए हो तुरंत उस चैप्टर को खोलो और अभी जो जो आपने पढ़ा उसे एक पेपर में उतार दो। इस तरह आप रिवीजन करोगे तो ये आपके एग्जाम डेट तक याद रहेगा। इसके बाद कंसिस्टेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने टारगेट्स तक पहुंचना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो। आप हर रोज अपने 2-3 घंटे सही से दोगे तो भी आप आसानी से 95 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली। तो जब भी आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई के लिए बैठोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात को जाने बिना आप हर रोज चाहे आप 1 घंटा, 2 घंटा, या 4 घंटा, या 8 घंटा बैठो, इस बात को बिना ध्यान रखते हुए पढ़ाई के लिए बैठोगे तो हर रोज आपका वो टाइम वेस्ट जाएगा। और वो बात क्या है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं और आपका मन कोई दूसरी जगह जाता है। आज स्कूल में ऐसा वैसा घटना हुआ, अभी मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा और घर में अभी कौन कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान जाता है। इस तरह से आपका मन पढ़ाई करते समय भटक जाता है और अभी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये क्या कर रहे हो भाई। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो 100% फोकस के साथ पढ़ना है। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई हम तो उस विचार के साथ ही बैठते हैं, लेकिन बीच में से हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई से हट जाता है और ध्यान दूसरी जगह जाने लगता है। जो भी आपने स्टडी करने से पहले टारगेट सेट किया है उसे 100% फोकस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम में कम्प्लीट करना है। तो आपको पढ़ाई करने से पूर्व इस नियम का पालन करना है। वो नियम क्या है भाई, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठोगे अपने दिमाग को पूरी तरह खाली रखना है और कुछ सोचना ही नहीं है। अपने दिमाग चेतना में शून्य अवस्था बनानी है। अपने आप से कहो जब तक अभी की ये 4 चीजें मैं कंप्लीट नहीं करता, ना मैं कुछ सोचूंगा, ना मैं यहाँ से उठूंगा। बस इस नियम को फॉलो करके आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। हाउ टू मेक नोट्स। तो भाई नोट्स कैसे बनाते हैं? पहली बात ये है कि भाई हमें नोट्स बनाना ही क्यों है, हम डायरेक्टली भी तो पढ़ सकते हैं। देखो अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है कम समय में। आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, आप एक ही जगह से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भाई ये नोट्स बनाते कैसे हैं? तो आप बोलोगे इसमें क्या है, चैप्टर की हेडिंग डाली और नोट्स बनाना शुरू, और इसमें सब पॉइंट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे और इसे खूबसूरत बनाएंगे। नोट्स बनाते समय हमको ये सब कुछ इम्पोर्टेंट लगने लगता है और सब कुछ अंडरलाइन हो जाता है। अगर चैप्टर होगा 6 पेजेस का तो हमारे नोट्स बन जाते हैं 10 पेजेस के। देखो नोट्स बनाना एक कला होती है, इस कला को हमें सीखना है। देखो नोट्स का मतलब सामने बुक में पढ़ा है वैसे नोटबुक में उतरना नहीं होता। अगर आप वही चीजें दोबारा लिख रहे हो तो इसका क्या ही फायदा।
नोट्स का मतलब है आपको उस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट मसाला निकाल के उसे अपने शब्दों में एक अलग अंदाज में लिखना है, और इसके लिए आपको सिर्फ एक ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ज़्यादा से ज़्यादा एक हाईलाइट लगेगा। इसको आपको ज़्यादा कलरफुल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जो भी जैसा भी लिखा हो आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स बनाते समय आपको जहाँ जरूरत होगी वहाँ शॉर्ट फॉर्म्स, सिंबल्स, फ्लो डायग्राम्स, टेबल्स बनाने हैं। देखो, आप क्लासरूम में होते हो तो आपके टीचर्स बहुत सारे चीज़ें बताते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को नोट करना होता है और टाइम कम होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, बिटवीन को आपको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इससे आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। और टीचर्स पढ़ाते समय आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि इसमें से एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएगा और उसको आपको कोई भी इम्पोर्टेंट साइन देना है। इससे क्या होगा, देखो जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा कि टीचर ने इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट बताया था और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। दूसरी चीज, नोट्स बनाते समय आपके सामने सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या मैं उस तरह के नोट्स बना रहा हूँ जिस फेवर में आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नोट्स बनाते समय आपके सामने सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह नोट्स बनाने हैं और उसमें कौन से पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है और उस पॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टिक होना चाहिए और उस पॉइंट में से आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाते समय आपको जहाँ पर फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं वहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, जिससे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ इस फ्लो चार्ट को ही देखकर समझ लेंगे कि इस पॉइंट में क्या है। अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उन पॉइंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी जर्नी शुरू करोगे तो आप लास्ट में देखोगे कि आपके सामने एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।